आज मैं आपको दिखाऊंगी वर्मिसली की रेसिपी। इसको कुछ लोग नमकीन सेवई भी कहते हैं, वर्मिसली भी कहते हैं, सेवई का उपमा भी कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, लेकिन इसको बनाने में सिर्फ दिक्कत ये होती है कि इसको कुछ लोग पहले से उबालते हैं और मैक्सिमम सबकी ये शिकायत रहती है, तो बनाते हैं तो ये आपस में इतनी चिपक जाती है और ये अलग अलग नहीं दिखती और इसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा नहीं आता। पर आप देख रहे हैं, ये देखिए, देख रहे हैं एक एक ये कितनी खिली खिली लग रही है, देख रहे हैं ना, ये देखिए लग रही है ना एकदम टेम्पटिंग। ये देखिए बिल्कुल ही ये चिपचिपी नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है, खिली खिली है और बनी तो ये लाजवाब है। तो ये आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बाद में आप जब वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद आप भूल जाते हैं। तो इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे देखना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए हमने कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है और बस एक चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है घी। दो जन के हिसाब से मैंने इसमें ये वर्मिसली ली है, ये हम इसमें डालेंगे। अच्छे से हम इसमें रोस्ट करेंगे। जब भी आपको ये बनाना है, आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि बिना रोस्ट के आप इसको नहीं बनाइए, और जब भी बनाइए तो थोड़ा सा घी डाल के ही इसको रोस्ट कीजिए, विदाउट घी मत रोस्ट कीजिए। उससे बाद में इसका टेक्सचर बहुत खिला खिला आता है और ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं। आजकल हर शॉप में ईजिली अवेलेबल हो जाती है, बहुत का हमें रोस्ट करना है, सिर्फ एक से दो मिनट रोस्ट करना है, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। आपको अगर मॉर्निंग में जल्दी हो, ये जल्दी बनाना है, तो आप इसको ऑलरेडी इस तरह से रोस्ट करके किसी बॉटल में भी करके आप रख सकते हो, उससे भी आपका टाइम सेव हो जाएगा और आप इसको जल्दी बना देंगे। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही झटपट से ये मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। जनरली मैंने बहुत लोग को देखा है कि वो इसको पहले उबाल करके इसको अलग से बनाते हैं, थोड़ा उसमें टाइम टेकिंग भी है, झंझट भी है, पर आज जिसमें तरीके से बनाओगे आप देखिएगा, हमें इसमें पहले से कुछ भी नहीं उबालना है, ये बहुत बढ़िया तरीके से बनेगा और बिल्कुल आपको अलग अलग बिल्कुल इसमें सेवैयाँ आपको ये मिलेंगी। अब देखिए ये हल्का सा ड्राई रोस्ट हो चुका है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब देखिए उसी सेम कढ़ाई को मैंने वापस से लिया है और इसमें मैंने एक चम्मच और ये दो छोटा चम्मच मैंने इसमें घी डाला है। आप देख रहे हैं कितने कम क्वांटिटी मैंने इसमें घी लिया है। और घी लेने के बाद हल्का सा घी को हम गरम करेंगे। घी जैसे ही गरम होगा तो हम इसमें लेंगे एक छोटा चम्मच राई, इसमें हम इसको डाल देंगे कि ये क्रैकल हो। साथ ही में इसमें मैंने दो हरी मिर्च को ऐसे स्लिट कर लिया है, साथ ही साथ हल्का सा बस इसको गर्म करना है, ज़्यादा नहीं। और इसी के साथ फ्लेवर के लिए मैं इसमें थोड़े से करी पत्ते डाल दूँगी, इससे इनका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। अब जैसे ही राई है इसमें क्रैकल होना स्टार्ट होगी। बड़ी प्याज को मैंने थोड़ा सा छोटे पीसेस में काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। प्याज के पीसेस को हमने ना बहुत ज़्यादा छोटा काटा है ना बहुत ज़्यादा बड़ा, सिर्फ मीडियम साइज़ का हमने इसको रखा है। हल्का सा इसको सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक हमें इसको पकाना है, मीन्स हल्का सा इसका कच्चापन खत्म हो जाए बस हमें उसमें उतना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा इसको पिंक एंड ब्राउन नहीं करना। फ्लेम को हमने यहाँ लो टू मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम हम इसमें नहीं रखेंगे। देखिए प्याज हल्की सी पक चुकी है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब इस कंडीशन पे मैंने इसमें एक छोटा टमाटर बिल्कुल छोटे पीसेस कर लिए, उसको हम ऐड करेंगे, हमें अच्छे से पकाना है। अब मैंने यहाँ पे इस टमाटर की क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा नहीं रखा, सिर्फ खट्टा होने के लिए मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया है, इससे इसमें थोड़ा सा खट्टापन भी आएगा और इसमें इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अब चाहो तो इसमें और भी ज़्यादा अपने से टमाटर ऐड कर सकते हैं। हमको इसको टमाटर को पका लेना है यहाँ पे। अब हमने जितनी भी सिवई ली है उसी के अकॉर्डिंगली इसमें नमक मिलाएंगे, तो मैंने इसमें एक छोटा चम्मच नमक डाल दिया है, साथ ही साथ इससे टमाटर बहुत अच्छे से जल्दी पक जाएगा। और बिल्कुल हल्का सा एक चम्मच पानी हम इसमें ऐड करेंगे जिससे कि हमारा मसाला बहुत सूखा सूखा नहीं रहे। अब देखिए हमारा ये मसाला हो चुका है, टमाटर अच्छे से पक गया है। अब थोड़े से बारीक कटे मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ और एक बारीक छोटे कटा मैंने इसमें गाजर डाल रही हूँ। आप इसमें कोई भी ऐड कर सकते हैं सब्जी, जैसा आपको मन हो। और हमें इसमें ध्यान रखना है कि सब्ज़ी को हमें बहुत ज़्यादा इसमें पकाना नहीं है, हल्का सा इसमें क्रंचीनेस रहना चाहिए, बस इसमें हल्का सा एक मिनट हमें इसको चलाना है कि सब्जी। देखिए सब्जी हमारी हो गई है। अब इसी स्टेज पे हमने जो इसमें वर्मिसली फ्राई करके रखा था अलग से, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी एक सेकेंड हम इसके साथ हल्का सा मिक्स करके सौते कर लेंगे। सबसे ज़रूरी है यहाँ पे आपको पानी का मेजरमेंट, पानी के मेजरमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कितने बाउल या कितनी क्वांटिटी आपने यहाँ पे वर्मिसली लिया था। मेजरमेंट आपका वर्मिसली का है, उससे जस्ट डबल क्वांटिटी आपकी यहाँ पे पानी की रहेगी। तो हमने यहाँ पे एक बाउल लिया था वर्मिसली, तो हम यहाँ पे सेम उसी मेजरमेंट वाले कप से हम यहाँ पे दो बाउल पानी लेंगे, सेम उसी बाउल से हम यहाँ पे नाप के पानी डालेंगे। ये थोड़ी सी बारीकियाँ हैं, ये थोड़े से टिप्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया, इसको अच्छे से पहले हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, वो है एक पैकेट पूरा मैगी मसाला। और भी मसाला ले सकते हो, अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं है आप पास्ता मसाला, गरम मसाला भी घर का बना ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मैगी मसाला डालते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत एनहांस करेगा।
मीन्स आप जब बना के इस किसी को खिलाओगे तो कोई ये समझ नहीं पाएगा कि इतना अच्छा फ्लेवर आ किस चीज़ का रहा है। और इसको अच्छे से हम इसी में मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें जो हमने पानी डाला है उसको हम बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा। और अब देखिए जब इसका पानी धीरे धीरे खोल रहा है तो पानी धीरे धीरे एब्जॉर्ब भी कर रहा है। मैं लिड को कर दूंगी कवर 2 से 3 मिनट के लिए और फ्लेम को कर दूंगी बिल्कुल स्लो, और 2 से 3 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पकने देंगे। उसके बाद मैं आपको चेक कराती हूँ। मैंने इसको हटा दिया इसकी लिड, और आप ये देख रहे हैं बिल्कुल भी इसमें चिपचिपापन नहीं है, बिल्कुल भी ये देखिए कच्ची नहीं है, और कितनी बढ़िया लग रही है देख रहे हैं। ये देखिए ये वाव कितनी बढ़िया लग रही है ये देखने में, देख रहे हैं ना। ये देखिए हल्का सा बिल्कुल इसमें पानी है, बिल्कुल हल्का सा नीचे नीचे में। तो इस कंडीशन पे मैंने गैस को कर दिया है बिल्कुल बंद। और अब हम इसमें मिलाएंगे हरी धनिया थोड़ी सी, मिक्स कर देंगे। इतना हेल्दी और कितना अच्छा ये नाश्ता है, इतनी फटाफट से बनने वाली और इतनी टेस्टी रेसिपी है कि आप इसको लंच डिनर कभी में भी यूज़ कर सकते हो। चाहो तो ब्रेकफास्ट में बना लो, लंच में बना लो, डिनर में भी बना लो, कभी भी बना लो। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको सिर्फ वापस से 5 मिनट के लिए इसको लिड से कवर कर दूंगी, जिससे और अच्छे से इसमें जो हल्का फुल्का भी पानी है वो इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये और बढ़िया से इसमें खिल जाएगी। तब आप देखिए 5 मिनट हो गया है, मैं लिड को अनकवर कर रही हूँ और आप देखिएगा कि कितनी बेहतरीन, कितनी टेस्टी और कितनी बढ़िया ये खिली खिली आपको दिखेगी। ये देखिए वाव, मैं इसका क्लोज लुक आपको देती हूँ, देख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए कितनी बढ़िया, कितनी टेस्टी, कितनी टेम्पटिंग और कितनी खिली खिली लग रही है। और देख रहे हैं आप इसको दोबारा से उबालने का कोई झंझट नहीं है कि आप इसको दोनों को अलग उबालिए। और ये देखिए कितनी यमी लग रही है। आप इसमें चाहो तो सॉस वगैरह भी आप डाल सकते हो, टोमेटो सॉस, चिली सॉस, जो भी आपका मन हो। और ये बहुत अच्छी है, मुझे तो ये ऐसी ही बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए वाह, बहुत ही टेम्पटिंग है। तो चलिए इसको हम सर्व करते हैं प्लेट में। देखिए, देख रहे हैं कितनी बढ़िया ये खिली खिली ये बनी है। बहुत इस पैटर्न से इसको मैंने बनाया है, इस पैटर्न से एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। ये लग रही है ना कितनी टेम्पटिंग एंड कितनी यमी। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगा। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे 100% गारंटेड है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।